भैया सबको जय श्री राम। दोस्तों, प्रयाग जंक्शन प्रयागराज में जो यहाँ निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, आप लोगों को दिखा दूँ कि ओवर ब्रिज प्रयाग जंक्शन से ये ओवर ब्रिज जो बनाया जा रहा है, डायरेक्ट आपको कुंभ मेले में मात्र 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर यहाँ पर पड़ेगा। ये जैसे ही इस ओवर ब्रिज को क्रॉस करेंगे, कुंभ मेले में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पर प्रयाग जंक्शन पे जो ये निर्माण कार्य आप देख रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर जो चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो रहने के लिए, मैंने कुछ वीडियो में पहले भी बताया हूँ कि यहाँ रहने के लिए बहुत ही व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। जो श्रद्धालु ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या में आ गए प्रयाग जंक्शन पर, और जिनको रहने के लिए होटल नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ वैसे प्रयाग जंक्शन के आसपास होटल भी हैं जो बहुत संख्या में कम है, लेकिन यहाँ पर जो जिनका निजी आवास है, दोस्तों आपको बता दूँ कि जिनका निजी आवास है, वो लोग भी अपने कमरों को खाली कर रहे हैं। जिसके पास 10-15 कमरे, 2-4 कमरे भी हैं, वो लोग भी खाली कर रहे हैं कुंभ मेला के लिए। तो वहाँ जो निजी घर हैं, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। निजी घरों में भी आपको रहने की सुविधा मिलेगी। होटलों से थोड़ी सुविधा आपको वहाँ कम मिलेगी, लेकिन पैसा भी आपका बहुत कम लगेगा। जैसे आपको 3,000-4,000 में होटल एक रात के लिए ले रहे हैं, वहीं पर जो ये निजी घर है जिसका, वो अपना कमरा दे रहा है, तो आपको 1,000-1,200 रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है कि निजी आवास वाले भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, रह सकते हैं। दोस्तों, उसका भी विवरण मैं दूंगा। दोस्तों, मैं गलियां दिखाऊंगा, यहाँ का रोड दिखाऊंगा, कहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, ये यहाँ पर उसके अतिरिक्त भी, जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बनाया जा रहा है छावनी, बहुत बड़ी एरिया में बनाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी जो है 22,000 की कैपेसिटी है, और 22,000 एक साथ लोग यहाँ पर एक कंबल बिछा के आसानी से सो सकते हैं। सब कुछ रहेगा, लैट्रिन बाथरूम की भी व्यवस्था रहेगी, सब कुछ रहेगा। तो सारी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, और जल्द ही इसका निर्माण प्रयाग जंक्शन का ख़त्म होने वाला है, और ये 15 दिसंबर तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। और फिर वीडियो से मैं अपडेट करूँगा कि किस तरह से आपको व्यवस्था दी जा रही है। पूरा जब निर्माण ख़त्म हो जाएगा, तब लोगों को लाइव आप लोगों को दिखाऊँगा कहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बनाया गया है, कहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था दी गई है, कितने वाकई में 22,000 जो कहा जा रहा है, 22,000 यहाँ लोग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, इन सारे चीज़ों से अपडेट कराऊंगा। अन्य सभी जितने जंक्शन हैं, स्टेशन हैं, सभी पर इसी तरह की रहने की व्यवस्था बनाई जा रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि छोटी सी जानकारी है, इसी तरह की जानकारी से अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को। जय श्री राम।